लेकिन ये दादर सिंह तुझे इसी जगह पे मारेगा। तुझे मारूंगा ना तो मेरे भाई को आत्मा को शांति मिलेगी। देखो आप मारे जीजा हो, आप मेरे साथ ऐसा मत करिए। हमने तेरी बहन के साथ शादी किस लिए किया है? अपने भाई का बदला चुकाने के लिए, उसके साथ हनीमून मनाने के लिए नहीं। प्यार तो मैं माधुरी से करता हूँ, वो माधुरी मेरे दिल की रानी है। तुझे मार के तेरी बहन को भी मारूंगा, तेरे भाई श्याम को भी मारूंगा, और तेरी माँ बुढ़िया और सुनीता को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मेरी बहन को कुछ मत कर। मैंने अपने मरे हुए भाई की कसम खाया है कि जब तक तेरे पूरे परिवार को खत्म नहीं कर दूंगा, अंबे नगर में चैन से नहीं बैठ। भाई की याद करता है ना, उसी तरह मेरा भाई भी मरते हुए मेरी वह याद जरूर किया होगा। आज मेरे भाई को कुछ ना कुछ आत्मा को शांति जरूर मिली होगी। यशवान आगे आओ। शंकर का खून कर दिया, आगे अच्छा किया। आगे जो काम करना है तुम्हें करना है। हम इस वक्त इसकी माँ सुनीता के पास जा रहा हूँ और यही कहूंगा, दौलत के कारण अपने भाई का खून किया है श्यामू ने। थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल करो, तभी हमरे भाई का बदला मुझे मिलेगा। मैंने कहा जसवंत, ये दादर सिंह की खोपड़ी है, जब तक इसके पूरे खानदान को खत्म नहीं कर देगी, चैन से अंबे नगर में नहीं। हम चले, ये काम तुम्हें संभालना है। लहरी, अरे लहरिया, कहाँ थे? हमको तो बताया कि आप घर में रहना। इसको पहचानते हो? ये वही श्यामू का भाई, श्यामू का भाई शंकर। तो उसको तुम लोगों ने मार दिया, खत्म। और खून का इल्जाम इसके भाई श्यामू पे लगेगा। मार दिए, ले चलो। इसको आप जहाँ का साहब कहा है वहाँ का ले जाना। हमें लागत है श्यामुआ के वही घर के बगलिया, रास्तावा के बगलिया छोड़ दिया। यहाँ ठीक है यार, यहाँ ठीक है, यहाँ ठीक है। ले जाना बुरा है नहीं, हम लोग फंस जाएंगे ना। अरे जाने पाएगा तो बारीक है शंकर, सामने ले जाइए शंकर। वही रास्ते पे उसी रास्ते पे छोड़ देना, और मैं उसकी माँ से मिलने के लिए जा रहा हूँ। Oh, my God.
शाम होने वाली है मेरे लाल, वही तो सोच रही हूँ कि शंकर 4 बजे तक घर आता था। चलो ठीक है, हम उसे ढूंढ कर लाते हैं। शाम मेरे लाल, क्योंकि शाम हो गई है, अभी तक वो घर क्यों नहीं आया है? क्या नाम? सुनीता। दादाजी, तुम्हारे बड़े लड़के का नाम श्यामू और छोटे वाले लड़के का क्या नाम था? शंकर। नाम शंकर। मुझे कहने में लाज लगती है, लेकिन कहना जरूर पड़ेगा, नहीं तुम विश्वास नहीं होगा आपको। बात क्या है? चल तेरे बेटा श्यामू है। क्या हुआ मेरे बेटे को? दौलत के कारण तेरे छोटे बेटे शंकर को जान से खत्म कर दिया। ऐसा नहीं। सुनीता, ये बात सच होगी, और देखना कि तेरे बेटे ने अपने भाई का खून किया है। आप जाने, आपका काम जाने, ये मुझसे देखा नहीं गया, इसलिए तेरी बुढ़ापी को देख करके मैंने तेरे पास दौड़ करके आया। नहीं हो सकता, क्योंकि श्यामू अपने छोटे भाई को अपनी जान से ज्यादा मानता है। हमें पता है कि श्यामू अपनी जान दे देगा, लेकिन शंकर की जान लेने से। श्यामू, तेरा बेटा श्यामू मीठी छुरी है, अपने भाई का खून कर दिया। आप जाने, आपका काम जाने। ए बुढ़िया, इधर आ, रोने से काम नहीं चलेगा। इधर आ। तूने कहा कि अपने दिल का टुकड़ा मानता है, मैं भी जानता हूँ। दौलत के कारण श्यामू ने शंकर का खून किया, और तुझे जब विश्वास होगा, जब गोद में अपने भाई की लाश को लेकर तेरे सामने आएगा, तब तो विश्वास होगा तुझे। फिर आप जाने, आपका काम जाने।
लीजिए। नहीं आया और उसने मुझसे कहा कि तेरा भाई सामने शंकर का खून कर दिया। आखिर मेरी समझ में कुछ नहीं आता, ना ही श्याम वापस आया और ना ही शंकर।
किसी और के बहकाने में आकर दे रही हम लोग कष्ट में जा रहे थे सभी। ये मेरा बेटा सिंगर है। ये तेरा बेटा है और वो कौन है? वो भी मेरा बेटा है। लेकिन इसने ही मेरे छोटे बेटे की जान ली है क्योंकि मुझे किसी ने बताया है जमीन जायदाद के चक्कर में शंकर का खून सामने किया है। ठीक कहती है बुद्धि सर, यह बुद्धि ठीक कहती है और दौलत के चक्कर में ये अपने भाई को स्वयं खून कर दिया। ऐसा कहते हो गिरफ्तार करो थे लाई करो थे। होगा इतनी बड़ी दौलत की लालच